हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 गणित विषय की प्रश्नावली 6.3 के अंतर्गत भाग 2 में हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसकी जो पहली क्लास थी उसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए देखते हैं हम पाँचवा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या करने पर? गुणा करने पर। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस संख्या के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और यह देखना है कि इस संख्या को हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और गुणा करने के बाद जो संख्या बन रही है वो किस संख्या का वर्ग है, सॉरी किस संख्या का वर्ग है वही हमें ज्ञात करना है, यानी उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम हल करते हैं। सबसे पहला पहले पहला प्रश्न पहला प्रश्न दिया गया है 252। तो बच्चों सबसे पहले हम 252 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखे तो मैं इधर कर लेता हूँ साइड में। तो 252 जब हम 2 का भाग देंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आएगा, 126। फिर से बच्चों हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 63। फिर से 2 का भाग देंगे बच्चों तो आप जानते होंगे कि 2 का भाग 63 में नहीं जाएगा, तो हम किसका भाग देंगे बच्चों, 3 का। कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर से बच्चों हम 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर बच्चों हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी कि 252 के जो टुकड़े हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। अब बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो 2 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा पूरा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा पूरा पूरा नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो 252 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, लिखेंगे हम। अतः 252 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि 7 का जोड़ा पूरा नहीं है। ठीक है, अब जब हम 252 को 7 से गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या बनेगी, पहले वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लिखेंगे अतः 252 गुणा 7। बच्चों इससे गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, वो संख्या कितनी बन गई, 1767। ठीक है बच्चों, और 1767 के टुकड़े क्या होंगे, यह कि ये केवल क्या जुड़ जाएगा, 7, क्योंकि हमने किससे गुणा किया है, 7 से गुणा किया है। तो और 1767 ये किसका वर्गमूल होगा बच्चों, तो ये वर्गमूल होगा 2 गुणा 3 गुणा 7 का, क्योंकि यहाँ पर हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 का जोड़ा भी पूरा पूरा बन जाएगा। तो इस जोड़े से 2 बार आया, इस जोड़े से 3 बार आया, और 7 के जोड़े से 7 बार आ जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, फिर से सुनो एक बार। सबसे पहले हमने 252 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि यहाँ से 7 का जोड़ा पूरा पूरा नहीं बन रहा। अतः हम जब अगर 252 को 7 से गुणा कर दे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने लिखा कि 252 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जब हमने 252 को बच्चों 7 से गुणा किया तो कितना बन गया, 1764। और 1764 किसका वर्गमूल होता है, तो ये जानने के लिए हमने देखा ही था अभी कि 252 में 7 का जोड़ा कम पड़ रहा था, तो यहाँ से 7 का जोड़ा भी पूरा बन जाएगा। जब हम 7 से गुणा करेंगे तो एक जोड़े से ये 2 बार आ गया, 3 और 3 के जोड़े से ये 3 बार आ गया, और 7 और 7 के जोड़े से ये 7 बार आ जाएगा।
तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 42। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखो, 180, दूसरा है 180। तो बच्चों 180 के हम टुकड़े ज्ञात कर लेते हैं। देखें, 2 का भाग देंगे 90, 2 का भाग देंगे 45, 3 का भाग देंगे 15, 3 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे 1। यानी कि 180 के टुकड़े क्या हुए बच्चों, वो हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों कि 180 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 का जोड़ा पूरा नहीं है। ठीक है, अतः हमें 180 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों कि यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में, 180 की अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म पूरा नहीं है, अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, 180 गुणा 5, 180 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 900। ठीक है, अब 900 के टुकड़े क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे अंडरवुड 900 बराबर, यहाँ पर 5 का गुणा और कर देंगे तो एक जोड़ा देखो 2 से बन जाएगा, एक 3 से और एक 5 से, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 30। यानी 900 का वर्गमूल कितना होगा, 30। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो बच्चों, अगला प्रश्न है 1008। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 1008 के टुकड़े करते हैं। तीसरा प्रश्न है 1008, तो इसके पहले टुकड़े कर लेते हैं। तो 1008, तो बच्चों सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 504। फिर से बच्चों 2 का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, फिर 5 और फिर कितना आ जाएगा, 2। फिर बच्चों 2 का कितना आ जाएगा, 1 2 6। फिर बच्चों 2 का कितना आ जाएगा, 6 और 3। फिर बच्चों 3 का कितना जाएगा, 2 और 1। फिर से बच्चों 3 का, 7 7 और 1। ठीक है बच्चों, तो इसके टुकड़े क्या हो गए, लिख लो इधर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पर देखो बच्चों 7 का युग्म पूरा नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ 7 का युग्म यानी जोड़ा पूरा नहीं है, युग्म पूरा नहीं है, अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1008 को हम 7 से गुणा कर लेते हैं, 1008 गुणा 7, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 7056, 7056, क्योंकि देखो 1000 का 7 से गुणा होगा तो 7000 और 8 का 7 से होगा तो बच्चों 56। अब हम ज्ञात करेंगे कि 7000 जो 56 है वो किसका वर्गमूल है, तो बच्चों देखो यहाँ से एक जोड़ा 2 का बन गया, ये लिख दिया 2, फिर से एक जोड़ा 2 का बन गया, ये लिख दिया 2, फिर बच्चों 3 का जोड़ा बन गया 3 का, फिर बच्चों जब हम यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो 7 का भी जोड़ा बन जाएगा, तो कितना का जोड़ा बन जाएगा, 7 का।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7, इसको गुणा कर लेते हैं बच्चों, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, यानी कि 7056 बस को बच्चों किसका वर्गमूल होगा, 84 का वर्गमूल होगा। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का ही चौथा, 2028। तो बच्चों इसका हम हल करते हैं, सबसे पहले वही 2028 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 2028। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो जब हम 2 का भाग देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 1014। फिर से बच्चों हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 507। फिर बच्चों 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 7 का है, पीछे 7 है, तो 7 और 5 12 होता है, मतलब बच्चों 3 का भाग जाएगा, ये ले दिया 3 का भाग। बच्चों कितनी बार जाएगा, एक बार, पीछे बचा 2, 2 और 0 20, 3 6 18, ठीक है बच्चों, पीछे बचा 2, 2 और 7 27, 3 9 27। फिर से बच्चों किसका जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का देख लो, 9 और 6 15 और 1 16, 3 का नहीं जाएगा बच्चों। 4 का देख लो, नहीं जाएगा 4 का तो वैसे भी। फिर 7 का बच्चों, तो 7 दूनी 14, पीछे बचा 2 और 9 29, नहीं जाएगा बच्चों। 11 का देख लो बच्चों, 11 एकम 11, पीछे बचा 5, 5 और 9, नहीं जाएगा। 13, तो बच्चों 13 का चला जाएगा, क्यों, 13 एकम 13, पीछे बचा 3, 3 और 9 39, 13 3 39, 13 का भाग 13 में बच्चों कितनी बार, एक बार। तो अब देखो इसके बच्चे टुकड़े क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13, और किसका टुकड़ा नहीं बना, 3 का, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर 3 युग्म में नहीं है, यहाँ 3 युग्म में नहीं है, अतः 2028 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम 2028 को 3 से गुणा कर लेते हैं, अतः 2028 गुणा 3, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, जब हम 2028 को 3 से गुणा करेंगे तो 2000 का 3 से गुणा करेंगे तो 6000, और 28 का 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो 84, तो 6084, ठीक है बच्चों। अब हम 6084 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 6084, एक मिनट बच्चों, 6084। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, 13 का जोड़ा पूरा बन रहा था, और जब हम 3 की गुणा कर देंगे तो 3 का भी जोड़ा पूरा बन जाएगा। तो बच्चों 13 दूनी 26, और 26 का बच्चों 3 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 78, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 78, 13 6 78। तो ये 6084 बच्चों किसका वर्गमूल होगा, 78 का पूर्ण वर्गमूल होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चों, 1458, अगली संख्या है 1458, 1458। तो सबसे पहले 1458 के टुकड़े ज्ञात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले 2 का भाग बच्चों 7 बार, फिर 2 बार, और फिर बच्चों 9 बार, 729। फिर देखो बच्चों 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 और 2 12, 3 चौक 12, 3 3 9। फिर से बच्चों 3 का कितनी बार जाएगा, 8 और 1 बार। फिर से बच्चों 3 का कितनी बार जाएगा, 2 और 7। फिर बच्चों 3 का 9 बार, 3 का 3 बार, 3 और 1, ठीक है बच्चों। तो 1458 के टुकड़े क्या हुए हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो बच्चों देखो 3 का जोड़ा पूरा है, इस 3 का भी जोड़ा पूरा है, इस 3 का पूरा है, किसका अधूरा है बच्चों, 2 का। तो हम कहेंगे कि यहाँ 1458 के अभाज्य गुणनखंड में के अभाज्य गुणनखंड में 2 का युग्म पूरा नहीं है,
दो का युग्म पूरा नहीं है, अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर 1 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अतः 1458, ठीक है बच्चों, 1458 गुणा 2, तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1400 और 1400 2800, और 58 और 58 कितना हो जाएगा 116, यानी 2916, ठीक है बच्चों, 2916। अब 2916 का बच्चों वर्गमूल निकालो, तो 2916, तो देखो बच्चों यहाँ पर जब 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टुकड़े क्या बन जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो बच्चों 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, यानी किसका वर्गमूल हो जाएगा बच्चों, ये 54 का पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, 768, तो ठीक इसी तरह हमें 768 के भी टुकड़े ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं 768, प्रश्न संख्या 6, 768, तो 768 के पहले टुकड़े निकालो बच्चों, क्या हो जाएंगे, 2 का 3 8 4, 384। फिर बच्चों देखो 2 का तो 1, फिर बच्चों 9 18 हो जाएंगे, फिर 2, ठीक है बच्चों, 192। फिर बच्चों 2 का दे दो तो कितना हो जाएगा, 96। फिर बच्चों 2 का तो कितना हो जाएगा, 48। फिर बच्चों 2 का 24। फिर बच्चों 2 का 12। फिर बच्चों 2 का 6। फिर से बच्चों 2 का 3। फिर बच्चों 3 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो टुकड़े, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बच्चों, तो 4 5 6 7 और 8, और पीछे क्या बच्चे, बच्चों 3। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 3 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, देखो 2 का पूरा है, इस 2 का पूरा, इस 2 का और इस 2 का, तो हम कहेंगे 3 का जोड़ा पूरा पूरा नहीं है। हम कहेंगे यहाँ 768 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म पूरा नहीं है, अतः 3 से गुणा करने पर, अतः 3 से गुणा करने पर, तो बच्चों क्या होगा, 768 गुणा 3, तो बच्चों 700 का 300 गुणा करेंगे 2100, और जब 68 का हम 3 से करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 304, सॉरी, ठीक है, तो 7 या 21, और 68 का 3 से करेंगे बच्चों 204, ठीक है, तो 2100 और 204 बच्चों हो जाएगा 2304, 2304। अब हम 2304 के टुकड़े निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2304 बराबर, तो यहाँ से देखो 2 का जोड़ा एक टुकड़ा बाहर आ गया, इस 2 के जोड़े से 1 2 बाहर, इस 2 के जोड़े से 1 बाहर, फिर से 1 2 के जोड़े से, और अब की बार यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 1 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी कि बच्चों ये किसका पूर्ण वर्गमूल है, ये 48 का पूर्ण वर्गमूल है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये 5वां प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर, तो ये 5वां प्रश्न मैंने फिर से रिपीट किया है, आगे देखो बच्चों प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर, क्या बच्चों, भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पिछला प्रश्न था उसमें हमने गुणा वाली संख्या ज्ञात की थी बच्चों, इसमें हमें किसकी करनी है, इसमें हमें भाग वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है 252, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, 252 सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, वही इसके टुकड़े निकालते हैं, तो
तो 2 1 2 6, फिर बच्चों 2 का 2 6 12, पीछे बचा 6 2 3 6, फिर बच्चों 3 का तो 2 और 1, फिर से बच्चों 3 का 3 7 21, 7 और 1, तो बच्चों 252 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब बच्चों देखो 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, 3 का जोड़ा भी पूरा बन रहा है, 7 अतिरिक्त है यानी 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो अगर हम इसमें 7 का भाग दे दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 हट जाएगा और 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है। हम लिखेंगे बच्चों कि यहाँ यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म पूरा नहीं है, अतः 252 को 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार देख ले, मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि लिखने में काफी टाइम वेस्ट होता है। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 252 भाग 7, तो 252 में जब हम 7 का भाग देंगे बच्चों तो कितना मिल जाएगा, 36। और हम जानते हैं कि बच्चों 36 किसका वर्गमूल होता है, 36 होता है बच्चों 2 गुणा 3, यहाँ से देखो 1 2 बार आ जाएगा और 1 3 बार आ जाएगा क्योंकि भाग देने पर 7 तो हट जाएगा, तो बच्चों किसका वर्गमूल है, 6 का पूर्ण वर्गमूल है। ठीक है बच्चों, तो पिछले जैसा ही था, उसमें केवल गुणा वाली संख्या निकाल रहे थे, यहाँ पर भाग वाली निकाल रहे हैं, सेम टू सेम है दोनों प्रश्न बच्चों। फिर दूसरा देखो, इसमें इसमें जो दूसरी संख्या दी हुई है बच्चों वो दी हुई है 2925, 2925, तो 2925 के टुकड़े ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो देखो सबसे लास्ट में 5 है, मतलब या तो 5 का भाग जाएगा या 3 का जाएगा, देख लो 3 का जाता है क्या, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, मतलब 3 का जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा देखो, 3 9 27, पीछे बचा 2, 2 और 2 22, 3 7 21, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 5 15, फिर से बच्चों 3 का देखो जाएगा क्योंकि 7 और 5 12, 12 और 9 21, तो बच्चों 3 का कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, फिर बच्चों देखो 5 है लास्ट में, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि 3 का नहीं जाएगा बच्चों, 5 का देख लो, तो 5 5 30, पीछे बच्चा 2, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर बच्चों देखो 5 का 13 बार, 13 का 1 बार, तो इसके टुकड़े क्या हो गए बच्चों, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13, तो देखो 3 का युग्म पूरा है, 5 का पूरा है, 13 बच रहा है, तो हम किसका भाग देंगे बच्चों, 13 का, तो 2925 भाग 13। ठीक है बच्चों, अब भाग क्यों दिया, मैंने बता ही दिया आपको प्रश्न में पहले ही, क्योंकि यहाँ पर हमें भाग वाली संख्या निकालनी है, तो 13 का वर्गमूल, 13 का जोड़ा पूरा नहीं है, हम 13 का भाग दे देंगे, तो बच्चों जब हम 13 का भाग देंगे तो देखो कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 बार, पीछे बचा 3, 3 और 2 32, फिर से 13 दूनी 26, पीछे बचा 6, 6 और 5 65, 13 5 65, कितना आ जाए बच्चों, 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, तो 225 वर्गमूल होता है 15 का, 225 देखो वर्गमूल किसका होगा, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 यानी कि 15 का, ये आपका बच्चों आंसर आ गया। फिर देखो तीसरा प्रश्न इसी का, वो दिया हुआ है बच्चों 396, कितना दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है 396, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सबसे पहले बच्चों किसका भाग देंगे 396 में, 2 का, क्योंकि 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और 9 19, 2 9 18, पीछे बचा 6 सॉरी 1 और 6 16, यानी कि 8, फिर से बच्चों 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 9, फिर बच्चों 3 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 33 टाइम, फिर बच्चों 3 का जाएगा 11 टाइम, 11 का जाएगा बच्चों 1 बार, यानी कि जो संख्या 396 थी इसके टुकड़े क्या आए बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, मतलब बच्चों 2 का जोड़ा पूरा है, 3 का भी पूरा है, 6
शेष क्या बच रहा है, 11। तो हम किससे भाग देंगे बच्चों, 11 से। ठीक है बच्चों, 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 396/11। तो बच्चों 11 तिया 33, पीछे बचा 6 और 6 66, यानी 11 सिंह 66, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 36। और 36 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, आप जानते ही है, यहाँ से एक दो बार आ जाएगा, एक तीन बार आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का। ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का बच्चों। फिर देखो बच्चों, इसी का चौथा प्रश्न क्या है, इसी का चौथा प्रश्न है 1620, कितना है बच्चों, इसका चौथा है 2645। ठीक है, कितना है बच्चों, 2645। तो 2645 का हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम 2645 के टुकड़े कर लेते हैं, 2645। तो बच्चों टुकड़ों सबसे पहले 5 है, लास्ट में देख लो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। तो 6 दूनी 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, मतलब 3 का नहीं जाएगा, 5 का। 5 पंजे 25, पीछे बचा 1, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, पीछे बचा 4, 4 और 5 45, 5 नम 45। फिर बच्चों देखो किसका जाएगा, तो 9 और 2 11, 11 और 5 16, मतलब 3 का नहीं जाएगा। 9 का देख लो बच्चों, तो 9 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका योग 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर देखो 7 का, तो 7 7 7 49, पीछे बचा 4 3, 3 और 39 नहीं जाएगा बच्चों। 13 का देख लो, 13 कम 13 13 2 26 13 39, 1349, पीछे बचेगा 9 नहीं जाएगा। 11 का तो नहीं जाएगा। फिर देख लो बच्चों 19 का नहीं जाएगा। फिर बच्चों 23 का देख लो, 23 एक 23 23 दूनी 26 26 सॉरी 23 एक 23 23 दूनी 46। ठीक है बच्चों, तो 2 बार 23 का 46, फिर पीछे बचा तो कितना, 6 और 9 69 23 दिया 69। ठीक है बच्चों, यानी कि 3 बार। फिर से 23 का 1 बार, मतलब कि 2645 के बच्चों टुकड़े कितने हुए, वो हुए 5 × 23 × 23, मतलब 23 का जोड़ा पूरा बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा। तो हम किसका भाग देंगे बच्चों, 5 का। तो 2645 भाग दे दिया 5 का, तो बच्चों कितनी बार भाग जाएगा ये आप देख लो, 5 पंजे 25, पीछे बचा 1, 1 और 4 14, 5 उन्नीस 10, पीछे बचा 4 और 5, यानी कि 529। 529 का बच्चों वर्गमूल निकालना है, तो 529 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, यहाँ से देखो एक ही जोड़ा बन रहा है 23 का, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 23। ये आपका आंसर हो गया। फिर बच्चों देखो 2800 का निकालना है, तो पांचवा सवाल है 2800। तो बच्चों 2800 के टुकड़ा करो, सबसे पहले हम टुकड़े करेंगे बच्चों, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दे दिया, तो आधा कितना होगा, 1400। फिर से 2 का भाग दिया, 700। फिर से बच्चों 2 का भाग दे दिया, 350। फिर से बच्चों 2 का भाग दे दिया, कितना आएगा, 175। अब बच्चों देखो 3 का नहीं जाएगा, 5 का, तो 5 तिया 15, पीछे बच्चा 2 2 और 5 25, यानी कि कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर बच्चों 5 का 7 बार, 7 का 1 बार। ठीक है बच्चों, इसके टुकड़े क्या हो गए, 2 × 2 2 × 2 5 × 5 × 7। बच्चों 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, 7 2, इस 2 का भी पूरा, 5 का भी पूरा, 7 का नहीं बन रहा। तो बच्चों हम किसका भाग देंगे, 7 का। तो 2800 भाग 7, तो बच्चों 700 को 28, पीछे 2 0, यानी कि 400। बच्चों 400 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखो एक जोड़ा ये 2 का पूरा, एक फिर से 2 का पूरा और एक 5 का पूरा। तो बच्चों 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि 20 का वर्गमूल होगा 400। फिर बच्चों इसी का लास्ट सवाल देख लो, ये है 1620। ठीक, इसी तरह हमें 1620 भी करना है, तो 1620 के टुकड़े निकालने हैं। तो 1620 बच्चों 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, इसका आधा कितना होता है, 810। फिर बच्चों 2 का भाग दे दो, 810 का आधा कितना हो जाएगा, 405। फिर से बच्चों 2 2, तो 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 आ गया। तो 3 का देख लो, क्योंकि 5 और 4 9 होता है, मतलब 3 का जाएगा। तो 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 1 और 0 बच्चों 10, 3 तिया 9, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर बच्चों देखो 3 का जाएगा, फिर 3 चौक 12, और पीछे बचा 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर बच्चों देखो 3 का 15 बार, फिर से बच्चों 3 का 5 बार, 5 का 1 बार। इसके टुकड़े कितने आए बच्चों, 2 × 2 3 × 3 3 × 3 × 5, मतलब देखो बच्चों 2 का पूरा बन रहा है, 3 का पूरा, इस 3 का पूरा, किसका नहीं बन रहा, 5 का।
तो बच्चों हम किसका भाग देंगे, 5 का। तो 1620 भाग 5, तो बच्चों कितना होगा, 5 3 15, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, मतलब 5 दूनी 10, पीछे बचा 2 और 0 20, 5 चौक 20, यानी 300, सॉरी 5 चौक 20 4। अब हमें 324 का निकालना है बच्चों वर्गमूल। तो देखो एक तो ये 2 का जोड़ा पूरा है, एक 3 का है और एक 3 का है। तो बच्चों 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी किसका पूर्ण वर्गमूल है, 18 का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में हमने प्रश्न संख्या 5 और 6 को सॉल्व कर लिया है। काफ़ी बड़े प्रश्न थे क्योंकि प्रत्येक में 6 6 भाग थे, तो क्लास थोड़ी बड़ी हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम बच्चों इसी 6.3 के जो आगे के प्रश्न हैं, 2 3 और प्रश्न शेष रह रहे हैं, उन प्रश्नों को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।